हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि 3 साल के बच्चे का बी गले का बॉर्डर किस तरह से बनाया जाता है। बॉर्डर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बी गले में किस तरह से बनाया जाता है, लेकिन मैं आज आपको इस तरह का बॉर्डर जो है वो बताऊंगी किस तरह से आप इसमें बनाएंगे बी गले में। तो यहाँ मैंने एक साइड का जो है ये देखिए ये बना के रखा हुआ है, और दूसरी साइड मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर किस तरह से हम बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, उल्टी साइड से हमें सारे फंदे जो हैं वो डालने हैं। वो किस तरह से डालने हैं, जहाँ से आपका कट आ रहा है वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और फंदे डालेंगे। इस तरह से 3 फंदे डाले हमने, फिर एक निडल छोड़ी, ये 3 फंदे डाले। इसी तरह से तीन तीन फंदे डालेंगे और एक एक निडिल और एक एक फंदा जो है वो आप छोड़ते जाएंगे। ये भी 3 फंदे डाल दिए, एक फंदा मैंने छोड़ दिया। इस तरह से हम लास्ट तक जो है सारे फंदे डाल लेंगे। तीन तीन फंदे डालने हैं और एक फंदा और एक निडिल छोड़नी है, ये जैसे यहाँ पे छोड़ी हुई है। लास्ट तक डालती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। देखिए सारे फंदे डाल लिए हैं मैंने, ये तीन तीन निडल हैं और एक एक निडल का गैप है, और यहाँ से ये देखिए एक फंदे का गैप भी है। तो अब हमें जहाँ से हमने फंदे डाले थे, जहाँ से हमारी कटिंग स्टार्ट होती है बी गले की, वहीं से अब हमें ये जो है इसको बिनना है। एक बार हाथ से हम बिन लेंगे, यहाँ पे गांठ बांध देंगे जिससे धागा ना निकले। इस तरह से जो है हम लास्ट तक जो है इसको बिनते चले जाएंगे। इस तरह से हम बिनते जाएंगे और साथ के साथ निडल भी आगे करते जाएंगे, जिससे जब हम कैरेज चलाएंगे अपना तो ये जो है निडल फंसे ना। तरह से सारी निडल बिन ली है हमने और अपना कैरेज में धागा फंसाएंगे, और दोनों साइड से हम वेट लगा देंगे। बॉर्डर 4 पे बनता है तो 4 नंबर पर मैंने इसको पहले से सेट किया हुआ है कैरेज का जो नंबर है। अब हम इस साइड आएंगे। अब यहाँ पे हम जो है एक फंदा घटाएंगे, इस तरह से एक फंदा कम कर दिया हमने। फिर वापस जाएंगे और फिर वापस आएंगे, फिर हम एक फंदा कम करेंगे, वापस जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर एक फंदा कम करेंगे। यानी कि इधर जो है हमारे 3 फंदे कम हो जाएंगे। ये जो हमारे बीच एक गैप है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जब हम फंदा बढ़ाएंगे तो हम इस तरह से, यानी कि हमारे ये 3 फंदे यहाँ पर कम हो गए। अगर आपको चौड़ा बॉर्डर बनाना है तो फंदे आपको उसी हिसाब से कम और ज़्यादा करने होंगे। तो ये मैं बता रही हूँ किस तरह से यहाँ पे आपके ये 3 फंदे कम हो गए। इसको हम बिन लेते हैं। अब हम फिर वापस आएंगे। अब यहाँ पर हम, अगर हमें चौड़ा बॉर्डर बनाना है तो हम फंदे जितनी बार हमें कम करने उतनी बारी बढ़ाने हैं। अगर आपको पतला बॉर्डर बनाना है तो 3 फंदे आप कम करेंगे और 3 बारी बढ़ाएंगे। मैं थोड़ा सा चौड़ा बना रही हूँ, यानी कि 16 लाइंस का बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 4 बार फंदे कम करूँगी। 3 बार पहले कर चुकी थी और एक बार ये, यानी कि 4 बार जो है मैंने यहाँ पर फंदे कम कर लिए हैं। अब 4 बार फंदे कम किए थे हमने। 4 बार फंदे कम करने के बाद, 4 बार फंदे कम हो गए, अब हम इधर आएंगे। अब जितनी बार हमने फंदे कम किए थे उतनी बार ही हमें बढ़ाना है। एक फंदा इधर से बढ़ाया, एक बार फंदा बढ़ा लिया है हमने, वापस आएंगे, फिर एक बार फिर फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए गैप था 3 के बीच में, तो यहाँ पे भी हमें गैप करना है। 2 बार बढ़ा लिया, फिर वापस आएंगे, 2 बार फंदे हमने बढ़ा लिए। अब हम ये 3री बार बढ़ाएंगे,
फिर वापस आएंगे। अब हम ये फोर्थ टाइम जो है अपना फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से हमने चार बार फंदे घटाए थे और चार बार ही बढ़ाए हैं। अब हम जो है इधर वापस आएंगे और सारे फंदे उतार लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बी गले का शेप आ गया है। इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए जब आप इस तरह से मोड़ेंगे तब यहाँ पर इस तरह से ये आएगा बी गले का। पहले हम फंदे उतार लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से आपका ये बी गला बनकर आएगा, बी गले का जो बॉर्डर है वो बनकर आएगा। देखिए सारे फंदे उतार लिए हैं और इस तरह से ये हमारा बॉर्डर आएगा। दूसरी साइड भी आप इसी तरह से बॉर्डर बना लेंगे अपना। जब आप दूसरी साइड से बना लेंगे तो देखिए इस तरह से इसके ये बॉर्डर की कटिंग आएगी। जब आप इसको सिलेंगे इस तरह से देखिए, और इधर से भी जब आप बनाएंगे इस तरह से भी कटिंग आ जाएगी और ये आपका यहाँ से ये बी गला बन जाएगा। ये देखिए जब आप इसको सिलेंगे तो ये इस तरह से आपका बी गले का बॉर्डर बनकर आएगा।